नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते अपने शहर और आसपास की हलचल पर। अमृतसर देहात पुलिस ने लूटपाट करने वाले गिरोह के 6 सदस्यों को किया काबू। 2 पिस्तौल, 32 बोर, 2 मैगजीन, 10 जिंदा ड्रोन, 2 मोटरसाइकिल और 10 मोबाइल फोन किए बरामद। लुधियाना में पंजाब कृषि विश्वविद्यालय पहुंचे पंजाब विधानसभा अध्यक्ष कुलतार सिंह संधवा ने पराली न जलाने वाले किसानों को किया सम्मानित। बंदी सिंहों की रिहाई के लिए तख्त श्री दमदमा साहिब से हस्ताक्षर अभियान हुआ शुरू। श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ने करवाई शुरुआत। और अब हलचल विस्तार से। अमृतसर देहात पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हासिल हुई जब पुलिस ने लूटपाट करने वाले गिरोह के 6 सदस्यों को काबू किया। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसपी तेजबीर सिंह हुंदल ने बताया कि उनकी एक टीम गश्त पर थी। इस दौरान उन्हें सूचना मिली कि हरजिंदर सिंह और उसके साथियों ने एक गैंग बनाया हुआ है जिसके पास नाजायज असला भी है और ये लूटपाट की वारदातें करते हैं। जिसके बाद जब पुलिस ने जांच शुरू की तो 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 6 नौजवानों को रुकने का इशारा किया तो उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस पार्टी ने उन्हें काबू कर लिया। जब उनकी तलाशी ली गई तो उनके पास से 2 पिस्तौल, 32 बोर, 2 मैगजीन, 10 जिंदा रोंद, 2 मोटरसाइकिल और 10 मोबाइल फोन बरामद हुए। पकड़े गए आरोपियों की पहचान हरजिंदर सिंह, मनप्रीत सिंह, बलकार सिंह और नवदीप सिंह चारों निवासी मानावाला कला, गगनदीप सिंह निवासी हरड़ भूरे गिल, मनराज सिंह निवासी मलिया के तौर पर हुई है। आज अमृतसर देहाती पुलिस ने मानयोग एसएसपी साहब श्री स्वपन शर्मा जी की रहनमई हेठ उन्होंने गाइडलाइनस के तहत साड़ी टीम अब सीए की टीम को काफ़ी सफलता मिली है, जिन्होंने 6 क्रिमिनल जोड़े अरैसट किए ने, जोड़े कि अलग अलग मोटरसाइकिल पर बैठ के आते जाते लोगों लुटते सके। उन्होंने को 2 पिस्टल कंट्रीमेट, 6 कार्टियर्स और 10 मोटरसाइकिल, 10 मोबाइल फोनस उन्होंने रिकवर किए हैं। जिन्हें कि जिन्हों की क्रिमिनल बैकग्राउंड हैगी, जिन्हों का मेन मुखी जोड़ा इन्हों का गैंग इन्हों हैड है वो हैगा हरजिंदर सिंह इलियस जिंदा, जोड़ा कि माना वाले का रहने वाला। और इन्हे बेसिकली क्रिमिनल बैकग्राउंड हैगी, इन 2 अगेंस्ट जोड़ा NDPS के मुकदमे भी दर्ज आ, और अलग अलग जगह पर वारदात करते सके। सानू काफ़ी देर तो इनफॉर्मेशन कि बंदे जोड़े आ कुछ एरिए गलत मूवमेंट चल रही है, सो साढ़े इंचार्ज CIA ने अपनी टीम ना लै के इन्हों मौके तो गिरफ्तार किया और असी PS चाटी विंड इन्हों का मुकदमा दर्ज किया 380B का 25-8 आर्म्स एक्ट के तहत। फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की पूछताछ शुरू कर दी है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। लुधियाना के पंजाब कृषि विश्वविद्यालय पहुंचे पंजाब विधानसभा अध्यक्ष कुलतार सिंह संधवा ने पराली न जलाने वाले किसानों को सम्मानित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि पंजाब में शांति जरूरी है, जो शरारती तत्व हैं उन्हें पकड़ने की हर संभव कोशिश की जाएगी। देश के अन्नदाता किसानों को पराली न जलाने के लिए सम्मानित करने वे यहाँ पहुंचे हैं, वहीं उन्होंने बाकी सवालों का जवाब देने से इनकार कर दिया। हरियाणा को चंडीगढ़ में विधानसभा के लिए अलग स्थान देने के बारे में उन्होंने कहा कि अभी तक इस संबंधी विवाद ही सामने आए हैं जबकि इसका हल होना चाहिए। लुधियाना से हलचल के लिए अरुण की रिपोर्ट। देखो जी, किसान अन्नदाता और किसान कुदरत नू सब तो वध प्यार करने वाला, कुदरत नू जीवन वाला, कुदरत नू मानने वाला किसान है। और जिन्हां किसानों ने बाबे नानक दा सुनेहे नूं मन के उत्ते तुरन की कोशिश की है, उन्हों अज दास ते साडे वाइस चांसलर साहब गोसल साहब आज मीत साहब आज असी अज इत्थे इन्हां नूं जिहड़ी पंजाब सरकार वालों भी यह सब तो पहले शुरुआत विधानसभा च कीती सी उन्हां नूं सन्मान करन दी, अज इत्थे पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी दे विच उन्हां नूं सन्मानित करना है। मेरा नाम मनजीत सिंह है जी, पुत्र सरदार दर्शन सिंह जी, पिंड नूरपुर बेट तो जी। मैं अज पंजाब यूनिवर्सिटी लुधियाना विच साढ़े अज विधानसभा के स्पीकर सरदार कुलतार सिंह संधवा साहब साडा विशेष सन्मान कर आ रहे हैं कि जिहड़े किसानां ने पिछले बहुत लंबे समय तो पराली नहीं जलाई तो अपनी खेती पूरी वधिया कर दिया, बिच असी हैप्पी सीडर नाल बिजाई करते हैं जी, साडी पैदावार भी अगे नो वधी है जी, खादा भी साडियां घटियां ने, साडू एक क्वांटल तो स्टार्टिंग की वध मिल जाता 2000 पहले ही बच गया, साडियां कणकां डिगण तो बचदियां जी, सानू इन्ना फायदा होया ही दस भी नहीं सकते।
देश की विभिन्न जेलों में बंद सिख कैदियों की सजा पूरी होने के बावजूद उनकी रिहाई के लिए लगातार संघर्ष कर रही श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है। मालवा में सिख समुदाय के चौथे तख्त श्री दमदमा साहिब में श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार सिंह साहिब ज्ञानी हरप्रीत सिंह के हस्ताक्षर के साथ उक्त अभियान की औपचारिक रूप से शुरुआत की गई है। जत्थेदार ने देश विदेश के सदस्यों से हस्ताक्षर अभियान चलाने की अपील की है। जत्थेदार श्री अकाल तख्त साहिब ने कहा कि पंथ केंद्र सरकार से इस संबंधी कई बार गुहार लगा चुका है। उन्होंने कहा कि अगर राजीव गांधी के हथियारों को रिहा किया जा सकता है और अन्य मामलों में बंद कैदियों को रिहा किया जा सकता है तो राजनीतिक संघर्ष करने वाले जेलों में बंद सिंहों की रिहाई के लिए आनाकानी क्यों की जा रही है। ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है जो देश में सिंहों को परेशान कर रहा है। श्रोमणी समिति ने केंद्र सरकार को जगाने के लिए जो हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है उसे सिर्फ भारत में ही नहीं विदेशों में भी चलाया जाएगा। पिछले समय जो सरकार ने सिखां दे सिरां दे उत्ते लड़ाई मड़ी और खालसा पंथ ने केंद्र सरकार वालों थोपी गई लड़ाई का जवाब जिहड़ा है दिता संघर्ष किया उस राजनीतिक संघर्ष के दौरान बहुत सारे साढ़े नौजवान जेलों के बंद किए गए जिन्हों 30-35 साल होने के बावजूद भी जेलों के बंद अज तक रिहा नहीं किया जा रहा। बहुत बार पंथ केंद्र सरकार पास अपील कर चुके हैं कि जे राजीव गांधी दे कातल जड़े ने रिहा किए जा सकते ने होर केसां दे विच जड़े कातल जड़े ने बंद वो रिहा किए जा सकते ने ते फिर राजनीतिक जड़ा संघर्ष लड़िया उस दौरान जड़े साडे जेलां दे विच बंद नौजवान सी उन्हां नूं रिहा करन तों आनाकानी क्यों। बठिंडा के प्रसिद्ध समाज सेवी और सरकारी अध्यापक सुखपाल सिंह सिद्धू की कार गत रात्रि बीबी वाला रोड पर सड़क के डिवाइडर से जा टकराई जिस कारण वे बुरी तरह से घायल हो गए और उनके पैर की हड्डी चकनाचूर हो गई जिन्हें बठिंडा के प्राइवेट हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया जहां डॉक्टर ने उन्हें एम्स हॉस्पिटल में रेफर कर दिया। सुखपाल सिंह सिद्धू सरकारी अध्यापक के साथ साथ अच्छे समाज सेवी भी हैं जो अपनी पत्नी के साथ मिलकर झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले व सड़कों पर भीख मांगने वाले बच्चों को शाम के समय फ्री पढ़ाते हैं। गौरतलब रहे कि सुखपाल सिंह सिद्धू ने सिद्धू मूसेवाला के साथ मिलकर कई कैंसर केयर कैंप भी लगाए हैं। बठिंडा से हलचल के लिए नरेश कुमार की रिपोर्ट। प्रबंध करना चाहिए ਪੈਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਰੀ ਸਾਰੇ ਚੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਛਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਏ ਦਿਨ ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕਰਕੇ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰਮਾਰ ਹੈ ਕਾਓ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦਾ ਹਰ ਕੋਈ ਹਾਂਜੀ ਹਰ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਪਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਇਹ ਪਸੂ। ਬਠਿੰਡਾ ਕੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਇੰਚਾਰਜ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ जन्म दिवस झुग्गी झोपड़ियों व सड़कों के ऊपर खड़े भीख मांगने वाले बच्चों के साथ मनाया। इस मौके पर अमरीक सिंह ने कहा कि महंगे होटलों में पार्टियां करने की बजाय इन बच्चों के साथ केक काट कर वे अपना जन्म दिवस मना रहे हैं ताकि इन बच्चों को महसूस हो कि पुलिस का रवैया बच्चों के प्रति कितना प्रेम प्यार वाला है। बठिंडा से हलचल के लिए नरेश कुमार की रिपोर्ट। बठिंडा शहर की दीवारों पर बिल्ली की गुमशुदगी के पोस्टर लगाए गए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक बिल्ली के मालिक की तरफ से बठिंडा के गुरु की नगरी और आसपास के इलाकों में खंभों और दीवारों पर अपनी बिल्ली की गुमशुदा के पोस्टर लगाए गए हैं और पोस्टर पर लिखा गया है कि जो बिल्ली को ढूंढ कर लाएगा उसको 25,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। बिल्ली को मालिक सरकारी वेटनरी हॉस्पिटल में लेकर गए थे जिसके गले में से रस्सी निकल गई जिसके कारण बिल्ली वहां से गुम हो गई जिसके बाद बिल्ली का मालिक बिल्ली को लगातार ढूंढ रहा है और अपने रिश्तेदार दोस्त मित्रों के व्हाट्सएप ग्रुप में बिल्ली गुमशुदा की तलाश के मैसेज भी डाल रहा है। वहीं उक्त मालिक का परिवार जब से बिल्ली गुम हुई है उदास है। बठिंडा से हलचल के लिए नरेश कुमार की रिपोर्ट।
मैं तुम दसदा जी सतवीर नाम है मेरा, ये गुरु की नगरी है पुलिस लाइन के ओपोजिट रीनल सेंटर लॉ कॉलेज बनया होया, ये बिल्कुल नाल ही पोस्टर लगे हुए सारे महल्ले दे विच गलियां दे मोड़ां उत्ते पोस्टर लाए हुए हैं। ये बिल्ला गुम गया जी, गोनने तो ने बई जी जिन्हों का यह बिल्ला से बच्चों को उन्होंने पालिया होया। तो कहानी यह हुई है जो ये दवाई दवा गए वैटनरी होस्पिटल आ डबली रोड से, उतों कितने पट्टा खुल गया ये, वो गलती नाल मतलब हाथ चो छड़ा के भज गया। जिन्हों का यह बिल्ला गा बच्चों को उन्होंने पाल के रखा सीगा, उन्होंने छड़ा भी आते रहे, यह रात को लभदे भी है, यह उत्थे बैठते भी है, ड्यूटी उन्होंने सख्त जरूर हैगी, पर समा कढ़ के जां किसी ना अपने यार दोस्तों लैके भी मतलब उन्होंने पाल च लाया होगा। तो वेखदे लुधियाना के गिल रोड की हालत खस्ता होने के चलते, जहाँ दुकानदार परेशानियों का सामना कर रहे हैं और धूल मिट्टी से परेशान हैं, वहीं दुकानदारों की ओर से अपनी एसोसिएशन के सदस्यों के साथ मिल नगर निगम कमिश्नर को एक मांग पत्र सौंपा गया, जिसमें उन्होंने मांग की कि जल्द से जल्द सड़क का निर्माण शुरू करवाया जाए। लुधियाना से हलचल के लिए अरुण की रिपोर्ट। अज गिल रोड मार्केट एसोसिएशन वाले आए थे सारे मेरे को इकट्ठे होकर, मेन उन्होंने कंसर्न सीगा भी जी गिल रोड हैगी अंडर कंस्ट्रक्शन हैगी है, थोड़ा जिहा डिले हो गया है मटीरियल करके, वो उन्होंने मेन कंसर्न सीगा, उन्होंने जेडे ने दस दिता है डिटेल दे विच, ते विदिन 15 डेज जी है ये रोड जी ठीक हो जाएगी। सर कितने प्रॉब्लम आ रही है, मतलब बहुत टाइम लग रहा है सर, परेशान ने लोगों की, थोड़ा मटीरियल की प्रॉब्लम आ रही है, मटीरियल की प्रॉब्लम आ रही है, बट डैट विल बी सॉल्व। असी सुशासन ये मिले असी साहब न मिले साहब का, सू उन्होंने बड़ा सू विश्वास दवाया, साढ़े को टाइम दिता उन्हें 15-20 दिन का, भी 15-20 दिन तक कि तुहाडी दिक्कत सड़क जी भी बनी है बना के देवे, असी उन्होंने सारा अपने दुख दस दिता, जे 15-20 दिन तक साडा हल नहीं करेंगे असी सब दुकानदार इन्हां मूहरे लिया के चाबी रख देंगे। साडी गिल रोड शॉपकीपर एसोसीएशन 2700 दुकान है, उरे 2700 दुकानदार जिहड़ा मैंबर इकट्ठे हो गए असी आए 10-15 बंदे ने, कल सारे दुकानदार इत्थे आ के कारपोरेशन साहब तुहाडे मूहरे धरना मारांगे ते रोड जाम करांगे। साडी इही बेनती असी किसी अफसर कोल नहीं आणी, अफसर साहब कोल आवांगे। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नज़र फिर से। अमृतसर देहात पुलिस ने लूटपाट करने वाले गिरोह के 6 सदस्यों को किया काबू, 2 पिस्तौल, 32 बोर, 2 मैगजीन, 10 जिंदा रोन, 2 मोटरसाइकिल और 10 मोबाइल फोन किए बरामद। लुधियाना में पंजाब कृषि विश्वविद्यालय पहुंचे पंजाब विधानसभा अध्यक्ष कुलतार सिंह संधवा ने पराली न जलाने वाले किसानों को किया सम्मानित। बंदी सिंहों की रिहाई के लिए तख्त श्री दमदमा साहिब से हस्ताक्षर अभियान हुआ शुरू, श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ने करवाई शुरुआत। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।